अस्सलाम बिसम वरम वा वेलकम टू माय किचन मैं हूं शेफ सा और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस सी मिठाई की रेसिपी लेके आई हूं थोड़ी सी चीनी में हम ये ढेर सारी मिठाई बना के तैयार करेंगे और ये एकदम परफेक्ट बनती है बिल्कुल हलवाई जैसी तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक पैन में ऐड करेंगे वन टेबल स्पून देसी घी साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ कप बेसन और हाफ कप मैदा अब हम बेसन और मैदे को घी में अच्छी तरीके से भून लेंगे हल्की आंच पे हल्की आंच पे हमें इसको तब तक भून लेना है जब तक कि इसमें से एकदम अच्छी खुशबू ना आने लगे तो जी यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन दस मिनट के लिए हल्की आंच पे भून लिया है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे बर्तन इस तरह का थोड़ा खुला बर्तन होना चाहिए अब हम एक पैन में ऐड कर लेंगे एक कप चीनी साथ ही इसमें ऐड करेंगे वन फोर्थ कप पानी फ्लेवर और खुशबू के लिए थोड़ा सा केवर एसेंस और तकरीबन वन टी स्पून लेमन जूस ताकि इसमें क्रिस्टलाइजेशन ना हो एक इस कीवर से इसको इस तरह थोड़ा मिक्स कर लेंगे और अब हम बिल्कुल हल्की आँच पर ना इसका कैरेमल बनने देंगे बिल्कुल भी फ्लेम हाई नहीं करेंगे बिल्कुल हल्की आँच पर इसको पकने देंगे हमें इसको इतना पकाना है कि जब हम इसको पानी में ऐड करें तो इसके एक हार्ड बॉल बने ये देखिए इस तरह से इसकी हार्ड बॉल बन रही है तो इस तरह से चीनी पानी में जाती हार्ड हो रही है ये बिल्कुल रेडी है अब हम एक पैन को इस तरह ऑयल की मदद से ग्रीस कर पर गर्मा गर्म कैराम -गर्म ऐड करेंगे अच्छा अब एक बात ध्यान रखिए जो चीनी है ना ये बहुत ज्यादा गर्म होगी तो उसको गलती से भी ना हमें हाथ नहीं लगाना अगर आपने इस पर हाथ लगाया तो ये आपके हाथ के साथ चिपक जाएगी और हाथ जल सकता है तो बहुत ध्यान से ये काम करना है हाथों पे ऑयल लगा ले और एक स्क्रेपर पे ऑयल लगा ले और फिर बहुत ही एहतियात से ना साइडों से इस तरह से चीनी को थोड़ा सा दरमियान में लेके आए हमें इसकी एक बॉल सी बना लेनी है लेकिन न हम इसके ठंडे होने का भी वेट नहीं कर सकते हमें इसको जब गर्म होना तभी करना है लेकिन हाथों को बचाते हुए इस तरह से इस तरह से देखिए चंद बार हम इसको फोल्ड कर लेंगे और फिर चेक करेंगे कि हाथ लगाया जा रहा है कि नहीं वैसे ही बहुत गर्म होता है तो अगर आपको हाथों पे ज्यादा गर्म ना लगे लाइक आप रोटी आराम से हाथों से सेक लेते तो ये आपसे बन जाएगा अब ना हम इसको 10 से 15 बार सर से स्ट्रेच करके वापस से घुमाएंगे तब तक जब तक की लाइट गोल्डन ना हो जाए तो जी अब ये वाला कलर जो है वो इसमें आ जाए ना तो हम इसकी एक रिंग बना लेंगे इस तरह से ये देखिए इस तरह से इसकी एक रिंग बना लेंगे और अब जो हमने बेसन और मैदा रखा था, था ना उसके ऊपर हम इस चीनी को रखेंगे अच्छे से इसके ऊपर लगाएंगे मैदा और बेसन और फिर इसको इस तरह से देखिए घुमाएंगे और स्ट्रेच करेंगे हम इसका एट बनाएंगे देखे इस तरह से हमें इसको इस तरह से घुमाना है फोल्ड करना है और स्ट्रेच करना है और इसकी जो रिंग बना रहे हैं ना वो हम कहीं से भी टूटनी नहीं चाहिए हर बार स्ट्रेच करने के बाद हमें इस पर खुश्क मैदा और बेसन लगाना है ताकि आपस में चिपके ना वरना आपस में चिपक जाएगा ये देखिए इस तरह से स्ट्रेच करेंगे और फोल्ड करेंगे स्ट्रेच करेंगे और फोल्ड करेंगे और यहाँ बहुत सारी लेयर्स जो हैं वो चीनी की बनती जाएंगी और ये देखिए माशाल्लाह से कितना बेस्ट ये बनके रेडी हुआ है हमें इसको ना जल्दी से इस तरह से अलग भी करना होगा ताकि आपस में चिपके ना और बीच में बेसन और मैदा जो भुना था वो लगाना है वो लगाते रहना है साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं बिल्कुल फ्री है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट सा जो है वो बन गया है माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग लग रहा है इतनी सारी लेयर्स है इसमें और इसको हमें इस तरह फ़ॉरन से अलग भी करना है ताकि चिपके ना अब हम इसको इस तरह थोड़ा शेक करेंगे ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा मैदा और बेसन है वो निकल जाए अब ना हमें इसको फॉरन से शेप देनी है वरना ना ये सेट हो जाता है तो उसके लिए यहाँ सिंपल मेरे पास एक मफिन ट्रे है इसमें हम थोड़े से बादाम और पिस्ता से ऐड कर लेंगे और फिर हम सिंपल नाइफ से कट करके थोड़े थोड़े पतीसा जो है वो इसमें ऐड करेंगे शेप देने के लिए इस तरह से एक मफिन ट्रे में मैं शेप इसलिए दे रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक वक्त में जो है वो शेप दे पाए अगर आप सिंगल करना चाहें तो सिंगल भी कर सकते हैं लेकिन ये काम आपको फास्ट करना है और सिंपल देखिए इस तरह तमाम ऐड करके हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और ये देखिए हमारे बहुत ही डिलिशियस है पतीसा जो है वो बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह से बहुत ही डिलिशियस और बहुत ही यमी बन के रेडी हुआ है और दिखने में भी एकदम परफेक्ट लग रहा है तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही डिलिशियस और परफेक्ट पतीसा बना है गर्म चीनी के साथ काम करना बस थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है वरना अगर आप स्टेप्स को ठीक से फॉलो करें तो बहुत ही परफेक्ट सा ये इस तरह से बन जाता है तो थोड़ी सी चीनी में हम बहुत सारा डिलिशियस सारी डिजर्ट बना के तैयार कर सकते हैं अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज